आसाम में सुप्रीम कोर्ट ने कहा एनआरसी कराओ, 1600 करोड़ रुपए खर्च का किए करके सुप्रीम कोर्ट के मातहत एनआरसी हुआ आसाम में। 19 लाख लोग के नाम नहीं आए, कितने 19 लाख, जिसमें से 10 से 12 लाख हमारे हिंदू भाई हैं, 1.5 लाख मुसलमान हैं। अब जब CAA आ गया तो क्या होगा मालूम आपको? ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आसाम के चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं, जो आलाजात के हैं, मंतू शर्मा नाम है, बेसु शर्मा, वो कह रहे हैं कि हम CAA से उन 12 लाख हिंदू भाइयों को सिटीजनशिप दे देंगे। ये मैं नहीं बोल रहा हूं। अब वो 1.5 लाख मुसलमान क्या करना, वो 1 लाख 1.5 लाख मुसलमान क्या करना, उनको बोलेंगे आप 1962 में आए क्या, आप 1951 में आए क्या, कागज दिखाओ, दादा का बर्थ सर्टिफिकेट दिखाओ। माने वो 10-12 लाख हिंदू भाई बहनों को सिटीजनशिप मिल जाएंगी, आसाम के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, बीजेपी के लोग कह रहे हैं, और वो 1.5 लाख मुसलमान फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में जाके केस लड़ो अपना। लोग बोलेंगे नहीं अभी कुछ नहीं हो रहा। मेरे भाई साहब, हर चीज अभी नहीं होती, हर चीज बाद में होती है। जब एनआरसी होगा, एनपीआर होगा, और अगर कहा जाए उसमें उसके रूल से पढ़कर सुना रहा हूं, पॉपुलेशन की एक लिस्ट बनाई जाएगी कि महाजरीन कैंप है, यहां पर महाजरीन कैंप में कितने लोगों के घर हैं, नाम आ गए। अब उसमें से किसी एक का नाम मैं जाकर बल्दिया के ऑफिस में लिस्ट लगाएंगे, देखो महाजरीन कैंप में इतने लोगों का नाम है। कोई भी जाकर बोल सकता ये जैद बकर भारत का शहरी नहीं है, डाउटफुल सिटीजन बनाए थे आप। उसके बाद उसको ये प्रूफ करना पड़ता कि मैं भारत का शहरी हूं। अब बताओ ये एनपीआर एनआरसी में नहीं है क्या? अमित शाह ने मेरा नाम लेकर पार्लियामेंट में नहीं कहा ओवैसी जी एनपीआर भी होगा एनआरसी भी होगा? क्या टीवी के इंटरव्यू अमित शाह ने नहीं कहा एनपीआर एनआरसी? तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से जो लोग आ गए आप बराबर दो उनको, मगर मजहब की बुनियाद पर क्यों? फिर बोलते नहीं इस्लामिक कंट्री है। अब डॉक्टर बनने का सपना करें साकार नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल से। नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल एक्रेडिटेड बाय IAO एंड एफिलिएटेड विद वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड त्रिपुरा यूनिवर्सिटी। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए एमयू जेड न्यूज़, और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।